देश का अन्नदाता किसान करहा रहा है, न्याय मांग रहा है, पर आप कंटीले तार, अश्रु गैस, पुलिस की लाठियों और डंडों से और सरकार के बल से उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री होकर आप 62 करोड़ किसानों की रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? आप एक किसान को 6,000 रुपया देते हैं और उसकी जेब से 30,000 रुपया 2 हेक्टेयर का निकाल लेते हैं। मोदी जी, सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? देश के प्रधानमंत्री होकर आप 62 करोड़ किसानों की रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? देश का अन्नदाता किसान करहा रहा है, न्याय मांग रहा है, पर आप कंटीले तार, अश्रु गैस, पुलिस की लाठियों और डंडों से और सरकार के बल से उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और काशी की पवित्र धरती पर जाकर जब देश के प्रधानमंत्री छल और कपट से झूठ बोलकर देश को किसान की हालत के बारे में बरगलाएं, तो इससे पीड़ादायक बात और हो भी क्या सकती है? मोदी जी, सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार आप मुट्ठी भर उद्योगपतियों को क्यों देना चाहते हैं? अनाज मंडियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? ये प्रश्न है जिनका आप जवाब दे नहीं रहे, और ये प्रश्न है जिनका जवाब किसान मांगता है। अगर ये काले कानून किसान के पक्षधर हैं, तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूरे देश का किसान आंदोलनरत क्यों है? और आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी इन काले कानूनों के अंदर देने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? सवाल सीधे ये हैं। 24 मार्च 2017 को देश की संसद के अंदर आपने ये कहा, किसान की कर्ज माफी नहीं हो सकती। आज कर्ज माफी का रोना रो रहे हैं, पर आपने तो एक फूटी कोड़ी किसान को देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने 2008-2009 के अंदर 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था 4,30,00,000 किसानों का। आपने खाद पर, बीज पर, कीटनाशक दवाई पर और ट्रैक्टर पर 12% और 18% GST लगा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 रुपया लीटर बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। यही नहीं, खाद की कीमतें बढ़ा दी, 30,000 रुपया कमाते हैं और 6,000 रुपया किसान को देकर उस पर एहसान करते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए, किसान के साथ न्याय कीजिए, काले कानून खत्म करिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। यही देश का किसान कहता है।